लाने वाले है उसके बारे में ऊपर नहीं लाने वाले है नहीं लाने वाले नहीं मालूम, मगर ये बहुत पुराना आरएसएस का, जनसंघ का और अब बीजेपी का ये एजेंडा रहा है, और वो भारत की जो प्लूरिज्म है वो उसको शुरू से पसंद नहीं करते, वो भारत के कल्चर्स को मानते नहीं है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर प्लूरिज्म है, कल्चर है, मुख्तलिफ लोगों की ज़बानें हैं, और उसको बीजेपी पसंद नहीं करती, इसीलिए बीजेपी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, और भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ एक ही नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये भी है कि शराब पे पाबंदी आयद कर दो, आप शराब पे पाबंदी आयद क्यों नहीं करते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी है कि जो भारत की दौलत है वो सब में बराबर, सबको बराबर मिले, मगर आज हम देखते हैं कि भारत की 60-70% दौलत जो है वो 10-20 लोगों के पास है। तो ये बहुत से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, एक ही नहीं है। तो बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस का पुराना एजेंडा रहा है, वो भारत की इस खूबसूरती को, प्लूरिज्म को नहीं मानता, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में मध्य प्रदेश में कहा वो बिल्कुल गलत है, झूठ है। वो कह रहे हैं कि एक घर में दो कानून कैसे रहेंगे, तो उनको ये समझना चाहिए कि आज भी हमारे देश में वकील साहब यहाँ पर है, CRPC एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अभी तक लागू नहीं हुआ, वो बोलते हैं दो कानून। भैया फिर दो कानून अगर है तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हमारे हिंदू भाई बहन को टैक्स रिबेट मिलता है वो दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं मिलता। और हम फिर से कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात बीजेपी आरएसएस कर रही है इसमें हमारे हिंदू भाई भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट ये सब चला जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट चला जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड मिजोरम को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी है, तो उसके ताल्लुक से होम मिनिस्टर अमित शाह बोलते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को नहीं लाएंगे, तो वो अमित शाह साहब ये भूल जा रहे हैं गुजरात के ट्राइबल्स का क्या होगा। आप ये बात गुजरात के उस ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, छत्तीसगढ़ में बोलिए, और झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है उसको निकालेंगे जो आदिवासियों के लैंड को प्रोटेक्ट करता है, राजस्थान में है ट्राइबल लोग, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, उड़ीसा में, इनका क्या होगा। क्रिश्चियंस का जो और हमारे हिंदू भाइयों को गोवा में जो वहाँ का जो सिविल कोर्ट से फ़ायदा मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, और हम कानून तो बना दिए मगर कानून में क्या देख रहा हमको। तो बीजेपी आरएसएस का मसला एक ही है कि किसी भी तरीके से भारत के मुसलमानों की जो एक आइडेंटिटी है, इंडियन मुस्लिम की जो आइडेंटिटी, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल लाया था तब भी हिंदू कोड बिल ना लाते हुए एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। सुनिए सुनिए, आप हिंदू कोड बिल पढ़े पढ़े, आप क्या पढ़े बताओ, बोलो। हिंदू कोड बिल जब लाया गया था नहीं सवाल नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जब हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट लेके आए उसमें आपने कस्टम का एक एग्जम्पशन दे दिया उनको, क्यों दिया आपने कस्टम का एग्जम्पशन? भाई अगर यहाँ नांदेड़ में कोई कस्टम है, मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारे हिंदू भाई अडॉप्शन करना चाहते तो यहाँ पर कस्टम है कि शादीशुदा को भी अडॉप्ट कर सकते, वो कस्टम का सहूलत दे दिया आप, वही तो हम बता रहे हैं आपको, ये सब चला जाएगा, फिर यूनिफॉर्म जब आएगा तो ये सब नहीं रहेगा। ये तो इनको सोचना चाहिए, बीजेपी जो है मुसलमान को सामने दिखाकर ये पैगाम दे रही है। अच्छा आप बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हम ताकतवर बनाएंगे, हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाह रहे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अभी 2020 का डेटा है अभी आया है जिसमें कहा गया है कि भारत के जितने हायर एजुकेशन हैं उसमें से 180,000 मुसलमान गायब हो गए हायर एजुकेशन से। क्यों गायब हुए भाई आप बताइए ना, आपने
स्कॉलरशिप को, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मौलाना आज़ाद फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। आप महिलाओं की बात करते हैं, 15-16 साल में उत्तराखंड की आबादी के बराबर भारत की बच्चियां मिसिंग है, यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, उसका कानून आपने बना दिया, कौन जिम्मेदार है उसका? और फिर बार बार बीजेपी के लोग बोलते कि नहीं नहीं वो देखो मुस्लिम कंट्रीज को देखो। अरे मुस्लिम कंट्रीज मोनार्की है, वो ये डेमोक्रेसी है। और आप बाबा साहब का हवाला दे रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में क्या कहा था, इसी के बारे में क्या कहा था, यूसीसी के बारे में, अब वो भी तो पढ़ लीजिए आप। ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट में 370 कलम रद्द किया, अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है, शुरू हुआ है। अरे कैसा बोलेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट में है तो आंध्रप्रदेश लॉर्डशिप चीफ सीजीआई के बेंच पर है, वो डिसाइड करेंगे। सर सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीजा के, बगैर परमिशन के, जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर? जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा, यहाँ इंडिया में आई है, नोएडा में। जी अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी साथ रह रहे, बिल्कुल जी। पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है, रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई है। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ की मीडिया में चल रहा है, रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है जी, तीन बच्चों के सर रॉ एजेंट है जी। अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम तीन बच्चों के साथ। अच्छा वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके तीन बच्चे पैदा करके रॉ एजेंट बन के यहाँ आ गई? अच्छा वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी वो पहले वाले को? नहीं अब वो तो शौहर नहीं छोड़े सर। हाँ। नहीं छोड़े नहीं। अरे वाह, ये को ये कौन सा दुबई में? हाँ शौहर, पहले का शौहर दुबई में सर, उसको नहीं छोड़े, उसको पता भी नहीं इधर आ गई सर। अच्छा मालूम भी नहीं? नहीं, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उनका शादी हो गया? जी सर हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी है? कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इसको, क्या बोलेंगे ये तो? अब वकील साहब आप बोलो, कारण आप ऐसे जानते हैं, आप काला कोट पहने हुए, मैं तो नहीं पहने, को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, तीन बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली? जी सर शादी कर लिया। जी सर कन्वर्शन। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरते में शादी हो गई, फिर यूसीसी की बात बीजेपी करती? क्या बात है, देखिए बाप।